अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा बताएं, आप स्किन को, आप माशाल्लाह आपकी तो नेचुरली भी अच्छी है स्किन, तो कैसे आप स्किन केयर रूटीन आपकी, लाइक आप ऑब्वियसली ना मेकअप करती हैं, शूट्स पे जाती हैं, और डेफिनेटली आपको कई दफ़ा दो दो दफ़ा चेंज भी करना पड़ता होगा, तो कैसे अपनी स्किन को सही रखती हैं? मैं बड़ी हैरत होगी लोगों को देख के जो मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ, कि मैं क्लेंजिंग बहुत अच्छी करती हूँ, अक्सर ऑलिव ऑयल से मैं साफ़ करती हूँ मेकअप, उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, उसको साफ रखे किसी भी अच्छे से फेस वॉश से मुंह धो लिया और उसके बाद सिर्फ कोल्ड क्रीम अप्लाई कर ली, दैट्स इट। मैं कोई महंगी क्रीमें कुछ यूज़ नहीं करती, कुछ भी नहीं। नेचुरली भी माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत भी जो कर रही हैं, लेकिन कई दफ़ा वही बात है कि राइट अमाउंट कर रही हैं ना, राइट वो कर रही हैं, चाहे हाँ स्किन को बस मॉइस्ट होना चाहिए, मैं समझती हूँ अगर वो आप रखें ना, चाहे वो किसी भी चीज़ से रखें तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो वो ये कि और क्लेंजिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। जो लोग अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लड़कियाँ जो है ना मेकअप में सो जाती हैं, परवाही नहीं करती, तो उससे स्किन बहुत ख़राब होती है, ड्राई भी होती है, आपको डार्क सर्कल्स भी होते हैं, उससे रिंकल्स भी पड़ते हैं, और आपकी स्किन को सूट करता है ना ऑलिव ऑयल, बताया ना आपने, हाँ जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये नहीं, आप सुन के आप भी ऑलिव ऑयल से करें, हर एक को नहीं, हाँ हर एक को सूट नहीं करता, कुछ लोगों को राइट की ज़्यादा ऑयली होती है स्किन, उनके लिए शायद नहीं इतना अच्छा होता होगा। आई थिंक डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्किन की क्या कंडीशन है, तो आपको चूंकि वो रिजीम सूट कर रही है, आपकी स्किन उससे फ्रेश रहती है, तो अच्छा आप उसको फॉलो की ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग एन एक्ट्रेस आप बहुत ही कोई यू नो करती होंगी सर्जरीज और ये वो, लोगों के जहन में ये होगा ना, लेकिन ये कि माशाल्लाह आप बिल्कुल सिंपल सी, तो कहने का मकसद ये कि आप सिंपल रूटीन रख के भी अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। बताइए कि जो अपनी डाइट और जो पानी ज़्यादा पिए हैं उससे स्किन आपकी अच्छी रहती है, उसके अलावा अपनी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट को ज़रूर शामिल करें, और थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज में जाती हूँ, हेल्थ क्लब जाती हूँ, रोज़ डेली एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज का आपने सही बताया कि ये बहुत ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सारी चीज़ें एक पूरा एक पैकेज है समझ लें, जो कि आपको आपकी स्किन को आपको खुद को फ्रेश रखता है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि उसमें आप एक्सरसाइज भी है, आपकी डाइट भी है, आपका पानी भी है, और उसके अलावा आप सही चीज़ें अपने फेस के लिए जो आपको सूट करें वो आप लगाएं। अगर आपके फेस पे कोल्ड क्रीम नहीं सूट करती या कोई ऐसी चीज़ नहीं सूट करती जो कि कई लोगों को एक्ने भी कर देती है, पिंपल्स भी कर देती है, तो लेकिन ये कि हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होता कि जिसके लेकिन माशाल्लाह वही बात है कि थोड़ा ख्याल करना भी चाहिए, प्लस आप अपना डाइट का, अपनी हेल्थ रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी है तो ही चेहरे पे ग्लो आता है। बिल्कुल ऐसे ही, और नींद पूरी हो, आप बाहर से जितनी मर्जी क्रीम, जितना मर्जी फाउंडेशन लगा लें, अगर आपके इनर ग्लो नहीं है चेहरे पे, तो कभी भी आप जो है खूबसूरत नहीं लग सकते हैं। वो वक्ती मेकअप से आप थोड़ा ही सी हाँ मगर वो नेचुरल जो एक ग्लो होती है ना, हाँ, वो नहीं आती। लैला आपा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे ज़्यादा टाइम होता तो और ज़्यादा मज़े मज़े की बातें फिर कर लेंगे। मैं कम कम ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक अशद ज़रूरत ना होनी जाती है। लेकिन ये सैलून से बहुत हेल्प करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लोगों को नहीं समझ है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, कुछ चीज़ों के लिए तो जाना ही पड़ता है जी, बिल्कुल। तो ये है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। सैलून के बगैर बालों का कैसे ख्याल रखते हैं? ऑयलिंग करके, आपके ग्लो रेस भी बहुत होते हैं ना। हाँ तो मैं कभी भी बगैर ऑयल लगाए धोती नहीं हूँ, ये बेस्ट। और वीक में एटलीस्ट ट्वाइस ज़रूर मैं ऑयल करती हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि जो प्याज का पानी है वो भी बड़ा अच्छा होता है, हाँ, वो बालों होता की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। तो लगाए कौन स्मेल, बस उसके स्मेल की वजह से बड़ा दिल घबराता है। बट ये कि वो इफेक्टिव फॉर्मूला है, मैंने ये सुना है कि बहुत अगर रेगुलर लगाएं तो बहुत इफेक्टिव है, ज्यादा ब्लो ड्राई, ज्यादा आयरनिंग, हाँ, करने से बाल आपके ऑब्वियसली ड्राई भी होते, बहुत खराब होते हैं, बहुत डैमेज होते हैं, बहुत डैमेज हो, मेरे तो बहुत डैमेज हो गए बाल। नहीं माशाल्लाह आप एक लंबे अरसे स्टेज पे रहते हैं, यही तो, और हर ड्रामे में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कभी स्ट्रेटनिंग हो रही है, कभी ब्लो ड्राई हो रहा है, कभी बैक कॉमिंग हो रही है, कभी स्प्रेज हो रहे हैं। और आपने कभी गैप तो नहीं, आई थिंक ज्यादा से नहीं, मेरा ज्यादा गैप नहीं है। कब से 99 से? मैंने शुरू तो 85 में किया था, फिर बीच में दो तीन साल काम नहीं किया था, उसके बाद से फिर तो मुस्तकिल
चल सो चल। इतने लंबे अरसे तक अपने आप को मेंटेन करना, प्रोफेशनल करियर हर चीज को मेंटेन करना और प्लस अपनी खूबसूरती को मेंटेन करना, बहुत बड़ा क्रेडिट है जी आपका।